सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 2 में आपको शो करना है कि एफ और अगेन एफ इज रीमन स्टेल्जस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फा. एंड यहाँ पर फ़र्क है कि जी की जगह, प्रीवियस आर्टिकल में जी फंक्शन लिया था ना, जी बिलोंग्स टू आर अल्फा, यहाँ पर ले रहे हैं सेम फंक्शन एफ बट इट इज़ रीमन इंटेग्रेबल ऑन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन बीटा. तो आपको शो करना है एफ बिलोंग्स टू आर ए अल्फा प्लस बी बीटा. मतलब इस बार एफ की जगह हम जो हमारा फंक्शन अल्फ़ा है उसकी जगह चेंज कर रहे हैं. तो अल्फ़ा की जगह हमारे पास दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन आ गया, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा. तो रिज़ल्ट का प्रूफ काफ़ी सिमिलर है. फ़र्क ये है कि पहले एफ़ की जगह चेंज कर रहे थे, अब यहाँ पर अल्फ़ा की जगह चेंज कर रहे हैं. डेफिनेशन में आपने पिछली बार निकाला था एस पी फाई अल्फ़ा, तो यहाँ पर अब फाई की जगह तो वही एफ ही रहेगा और अल्फ़ा की जगह आ जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा. फिर डेफिनेशन लगाएंगे. डेफिनेशन में भी आपका यहाँ पर डेल्टा अल्फ़ा के आता है वैसे तो नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर अब एक अल्फ़ा तो है नहीं है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो अगेन कॉम्बिनेशन का ही चेंज आएगा. दैट इज़ ए डेल्टा अल्फ़ा के प्लस बी डेल्टा बीटा के. सेपरेट कर लोगे तो आपके पास आपका रिजल्ट ये आ जाएगा दैट दिस इज़ इक्वल्स टू दिस. ठीक है, सो ये रिज़ल्ट आप आगे मेन थ्योरम में यूज़ करेंगे. मेन थ्योरम का प्रूफ पिछले आर्टिकल जैसा ही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. तो अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप.